यस क्लियर है। चलिए लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या किया था, लास्ट क्लास के अंदर हमने प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो जो कि हमारा यूनिट नंबर 3 था उसका एक चैप्टर हमने स्टार्ट किया है। इसको कॉस्ट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो भी बोला जाता है। और सर क्या कराया, फिर लास्ट क्लास के अंदर हमने कुछ सेल्स का कंपोनेंट्स देखा था, सेल्स में क्या क्या होता है हमारा वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट जोड़ देते हैं। इसके बाद हमने कुछ फॉर्मूले देखे कि सेल्स को इधर उधर करके टोटल कॉस्ट भी क्या होता है, प्रॉफिट कैसे निकाला जा सकता है, लॉस कैसे निकाला जा सकता है, कंट्रीब्यूशन क्या होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और हमारा फिक्स कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट भी हो सकता है कंट्रीब्यूशन, और फिक्स कॉस्ट माइनस में लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, रेशो का क्या देखा हमने, पीवीआर कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल होता है, पीवीआर कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू में 100 भी हो सकता है अगर पर यूनिट के हिसाब से हो, और दूसरा 100 दे रखा है तब, और एक और फॉर्मूला हमने देख लिया था। इसके बाद हमने देखा अब सेल्स के बाद ब्रेक इवन पॉइंट, तो ब्रेक इवन पॉइंट के हमने दो फॉर्मूले देखे थे, एक अगर यूनिट में चाहिए तो कैसे निकालेंगे और एक टोटल में चाहिए तो कैसे निकालेंगे। इससे रिलेटेड हमने सारी जानकारी ब्रेक इवन पॉइंट तक कर लिया था और यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व भी कर लिया था। इसके बाद अगले क्वेश्चंस को भी हमने सॉल्व किया, फिर एक और क्वेश्चन सॉल्व किया हमने। आज हम आ जाते हैं क्वेश्चन, अब हम ज़्यादा से ज़्यादा पहले क्वेश्चन करेंगे और बीच में जैसे फॉर्मूला आएगा उस फॉर्मूले की तरफ हम चलेंगे, ठीक है। चलिए उससे पहले एक पॉइंट मैंने बोला था कि मैं बता दूंगा, तो जैसे क्वेश्चंस के बीच में आएगा वो पॉइंट तभी मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है, तभी एक्सप्लेन करेंगे क्वेश्चंस के बीच में, अभी लगातार हमें क्वेश्चंस करने हैं। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फाइंड आउट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, अगर ब्रेक इवन पॉइंट इज ब्रॉड डाउन टू 900 यूनिट, 9000 यूनिट। कहता है कि हमारा ब्रेक इवन पॉइंट, कहता है भैया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट अगर आ जाता है मेरा 9000 यूनिट तो उस सिचुएशन में हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। आगे कहता है वेरिएबल कॉस्ट 75 है, वीसी हमारा 75 है, फिक्स एक्सपेंस हमारा दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है, फिक्स कॉस्ट दे रखा है हमें, कितने दे रखे हैं फिक्स कॉस्ट 270, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है आपको, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है दैट इज आपको 100। आपको कहा गया भैया हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ये आ जाए तो बताओ, तो सबसे पहले अगर हम देखा जाए तो हमारे पास सबसे पहले मैं अगर आपसे प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पूछूं, प्रॉफिट वॉल्यूम पीवीआर, पीवीआर इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन नॉर्मल तरीके से डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, तो दैट इज कंट्रीब्यूशन क्या होगा हमारा, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करेंगे 25 डिवाइडेड बाय 100 इनटू में 100, तो ये आ जाएगा हमारा 25%, 25%। और अगर मैं यहीं पे ब्रेक इवन पॉइंट निकालूं तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या आएगा, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 270 और डिवाइड किससे करेंगे 0.25, तो ब्रेक इवन पॉइंट देखते हैं क्या आता है, ब्रेक इवन पॉइंट 270 डिवाइडेड बाय 0.25, 10,80,000। और क्वेश्चन कहता है कि भैया यूनिट के टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो 10,80,000 और एक यूनिट 100 रुपये का है तो डिवाइडेड बाय 100, अभी प्रेजेंटली 10,800 है, अभी प्रेजेंटली हमारा 10,800 यूनिट बेचते हैं तो ब्रेक इवन पॉइंट निकलते हैं जब हमारा प्राइस क्या होता है 100 रुपये। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि हम ब्रेक इवन पॉइंट को कम करना चाहते हैं, तो अब ब्रेक इवन पॉइंट को अगर आप कम करना चाहते हैं तो उसके दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो आप सेल्स प्राइस को बढ़ाइए या फिर आप वेरिएबल कॉस्ट को, क्वेश्चन कहता है सेलिंग प्राइस बताओ, तो हमें सेल्स को क्या, प्राइस को क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा।
यानी ये इनका कहने का मतलब है भैया कि मेरा ब्रेक इवन पॉइंट ये बन जाए, ब्रेक इवन पॉइंट ये बन जाए, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट अगर इसकी बात कर रहे हैं तो चलिए एक पेज ले लेते हैं। सर फॉर्मूला क्या है ब्रेक इवन पॉइंट का? ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवीआर, डिवाइडेड बाय पीवीआर। तो बहुत सिंपल सी बात है, ब्रेक इवन पॉइंट कह रहा है क्वेश्चन 9,000, फिक्स कॉस्ट हमें दे रखा है 2,70,000, और पीवीआर हमें नहीं पता, तो हम यहां से पीवीआर पहले फाइंड कर लेंगे, पहले हम पीवीआर फाइंड कर लेंगे। क्या आएगा? 9,000 270 डिवाइडेड बाय 9,000, 30%। पीवीआर आ गया हमारा 30%, पीवीआर आ गया हमारा 30%। मुझे आप बता सकते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या आएगा यहाँ पे? 70%। पीवीआर 30 है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है हमारा? 70%। तो चलिए आइए, थर्टी आ गया हमने, 270 90, ये पीवीआर नहीं आया क्योंकि ये यूनिट में है, तो यहां पे सीपीयू रखेंगे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, सीपीयू सीपीयू आएगा, ये पीवीआर नहीं आएगा, सीपीयू आएगा। तो हमारा सीपीयू आ गया 270, और सीपीयू क्या होता है सर? सीपीयू इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। सीपीयू हमें पता चल गया कि भैया सीपीयू जो आएगा वो आएगा 30, मैंने 270 रख दिया, 270 रख दिया, 30 आएगा। सेल्स नहीं पता एक्स, वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है कितना था? 75। तो अगर इसको इधर ले जाएं तो हमारा 105 रुपए का अगर हमारा सेलिंग प्राइस हो जाए तो ब्रेक इवन पॉइंट आ सकता है हमारा 9,000। चलिए टेस्टिंग करते हैं कि 105 अगर सेलिंग प्राइस हो जाए, क्वेश्चन ने पूछा था कि फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस, तो अगर 105 हो जाए, तो अगर सेलिंग प्राइस हमारा 105 हो जाए और वेरिएबल कॉस्ट हमारा 75 है और फिक्स कॉस्ट हमारा 2,70,000 है, चलिए हम चेक करते हैं, एक बार वेरीफाई करते हैं क्या ब्रेक इवन पॉइंट इससे 9,000 आ रहा है। आप फटाफट इससे ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के दिखाइए, ये आपका हो अभी क्लास वर्क है, आप फटाफट ब्रेक इवन। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन समझा दूं, मैं क्वेश्चन में कह रहा था कि भैया सेलिंग प्राइस निकालना है, और कहता है कि भैया हमने ब्रेक इवन पॉइंट ये बता दिया है आपको, जो कि एक्चुअल ब्रेक इवन पॉइंट नहीं है, सेलिंग प्राइस जब आप कुछ चेंजेस करोगे तब आएगा। तो मैंने क्या करा सर, मैंने सबसे पहले एक पुराना ब्रेक इवन पॉइंट निकाला। पुराना ब्रेक इवन पॉइंट निकला भैया, यूनिट तो 10,800 आना चाहिए, इस सेलिंग प्राइस के हिसाब से हमारा, क्योंकि इसने बोला फाइंडिंग सेलिंग प्राइस और सेलिंग प्राइस तो पहले से गिवन है, तो इस सेलिंग प्राइस के हिसाब से ब्रेक इवन पॉइंट हमारा ये आ रहा है। तो ब्रेक इवन पॉइंट ये आ रहा है और पीवीआर क्या आ रहा है? ये आ रहा है। तो ये मैंने चेक कर लिया पहले के, एक आपको समझाने के लिए, वैसे आपको एग्जाम में नहीं करना ये वाला पॉइंट, ये मैंने देखा कि अगर ये सवाल ऐसे सीधा होता तो ये होता। फिर मैंने जाके ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला लगाया। ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला जब लगाया, क्योंकि ये यूनिट में गिवन है हमें, तो यूनिट में गिवन है, तो यहाँ पे हमने सीपीयू रखा, तो सीपीयू ब्रेक इवन भी पता है, फिक्स कॉस्ट भी पता है, सीपीयू रखा। जैसे ही मैंने सीपीयू रखा तो मेरा सीपीयू आ गया 30। सीपीयू का फॉर्मूला लगाया मैंने क्या? सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट। तो हमें सेल्स नहीं पता क्योंकि हमें फाइंड करना है 75, इसको इधर जाके प्लस किया तो हमारा वैल्यू आ गया ये। तो इसका मतलब न्यू सेलिंग प्राइस आ गया मेरा 105, वेरिएबल कॉस्ट आ गया 75, फिक्स कॉस्ट आ गया मेरा 70, 2,70,000। तो आप मुझे बताइए अभी फटाफट से इसका ब्रेक इवन पॉइंट क्या आ रहा है, इसका ब्रेक इवन पॉइंट निकाल के बताइए मुझे फटाफट से आपका क्या आता है। मैं चेक करता हूँ आप में से किसका आंसर सबसे पहले आता है, ब्रेक इवन पॉइंट बताइए क्या आ रहा है, ब्रेक इवन पॉइंट। सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो लेवल जहां पे हमारा फिक्स कॉस्ट और जो टोटल, यानी टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू सेल्स के बराबर आ जाए। गलत जवाब, देखिए ये पर यूनिट है, तो हम ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या बोले? ब्रेक
इवन पॉइंट इज इक्वल टू, ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू आपका आएगा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो सर ब्रेक इवन पॉइंट क्या होगा? बहुत सिंपल है, 2,70,000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट क्या होगा? इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज कितने हैं इन दोनों का डिफरेंस? 30। तो देखो ब्रेक इवन पॉइंट 9,000 ही तो आया है, ब्रेक इवन पॉइंट 9,000 ही तो आया है। लगता है आपने पहले वाले पॉइंट को स्टडी नहीं किया। मैं एक बार मिटा रहा हूं इसको, फिर से दोबारा बताते हैं आपको। चलिए पीछे वाले पे दोबारा देखिए। सवाल क्या है? कहता है मेरा अभी जो ब्रेक इवन पॉइंट, मैं चाहता हूं कि मेरा हो जाए 9,000। अगर मेरा 9,000 है तो सेलिंग प्राइस आपको क्वेश्चन मार्क बताना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन पहले जो मेरा सेलिंग प्राइस हुआ करता था दैट इज 100 रुपीज का, और वेरिएबल कॉस्ट हुआ करता था 75 का, और फिक्स कॉस्ट हुआ करता था 270 का। तो सबसे पहले हम ब्रेक इवन पॉइंट हमें गिवन है, तो ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला क्या होगा सर? ब्रेक इवन पॉइंट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय, क्योंकि यूनिट में सब कुछ गिवन है, दैट इज सीपीयू। तो ब्रेक इवन पॉइंट मैं चाहता हूं मेरा 9,000 हो जाए, फिक्स कॉस्ट 270 है, और सीपीयू दे रखा है क्वेश्चन में नहीं, हम मान लेते हैं नहीं गिवन। तो सीपीयू, क्योंकि जब तक आपको नए वाला सेलिंग प्राइस, ये क्योंकि कौन से वाला है, ये न्यू वाला है, और जब तक आपको सेलिंग प्राइस नए वाला नहीं पता चलेगा आप सीपीयू नहीं निकाल सकते हैं। तो यहां पे हमने क्या किया, वेरी सिंपल, सीपीयू निकाला तो सीपीयू कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ गया हमारा 30, इसको डिवाइड करेंगे तो। अब सीपीयू का फॉर्मूला ओपन कर दिया, सीपीयू इज इक्वल टू क्या होता है, सेल्स माइनस में वेरिएबल कॉस्ट। ये 30 है, सेल्स को एक्स मान लिया, वेरिएबल कॉस्ट 75 दे रखा है, इधर ले जाएंगे तो 105 आ गया क्या एक्स। तो जो क्वेश्चन ने पूछा था सेलिंग प्राइस कितना आ गया हमारा 105, मैंने यही तो कहा था कि सेलिंग प्राइस अगर 105 हो जाए तो क्रॉस वेरीफाई कैसे करोगे सर? वेरिएबल कॉस्ट रखोगे 75 और आप रखोगे क्या, फिक्स कॉस्ट आप रखोगे 275। मैंने बोला ये आपको ब्रेक इवन पॉइंट फाइंड करके दिखाओ, ऑलरेडी हमें पता है, हम क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है इस प्राइस से 9,000 आएगा, लेकिन आपको करने के बाद भी होना चाहिए था, तो मैंने वही बताया था आपको, करके दिखाना था। सर सीपीयू और एसपीयू से पीवीआर निकल जाएगा फिर? नहीं, यहां गलती कर रहे हैं हम। अगर मैं यहां से पीवीआर वाले फॉर्मूले को लगाता हूं यहां पे पीवीआर वाला, तो पीवीआर तो हम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि हमें नए वाला सेलिंग प्राइस नहीं पता। हम पुराना पीवीआर जरूर निकाल सकते हैं, नए वाला पीवीआर आप किसी हाल में नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको जब तक सेल्स और वेरिएबल कॉस्ट नहीं पता होगा तो कैसे निकालोगे? तो नए वाला आपको ब्रेक इवन है तो नए वाला सेलिंग प्राइस चाहिए, इसलिए हमें ये फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ा है।